आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स टू सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्मड इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन एंड यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन. सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है. तो लेट आपके पास टोटल 100 स्टूडेंट्स वी हैव और इनसे दो सेक्शन हमें बनाने हैं. एक सेक्शन ए है, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, और ये सेक्शन बी है. सेक्शन ए की कैपेसिटी है 40 स्टूडेंट की, सेक्शन बी की कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट्स की. अब आप और आपका दोस्त, मतलब रेंडमली आप कोई भी दो स्टूडेंट कंसिडर कर सकते हैं. अब मान के चलिए ये स्टूडेंट्स हैं एक्स और वाई, ये कोई दो स्टूडेंट हैं और मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. मतलब जो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है जब ये दोनों के दोनों किसी एक सेक्शन में चले जाएं इसके कितने चांसेस होंगे, और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन बोथ एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन, जब ये दोनों के दोनों डिफरेंट सेक्शन में चले जाएं. तो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ द इवेंट. नाउ लेट ए, मैंने एक इवेंट कंसिडर किया है व्हेन बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, और बी एक अनदर इवेंट है व्हेन बोथ एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन. अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि दो ही केस पॉसिबल है, या तो ये दोनों के दोनों बच्चे किसी एक ही सेक्शन में चले गए होंगे, या फिर ये दोनों के दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे. मतलब इस इवेंट के होने और नहीं होने के टोटल का जो सम है, जो प्रोबेबिलिटी का सम है, वो हमेशा वन के इक्वल होगा. तो अगर मैं किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेता हूं तो दूसरा तो वन माइनस करके ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. तो चलिए अभी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी. आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द पीए, मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन बोथ आर इन द सेम सेक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. अब जनरली अगर मैं पीए की बात करूं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना. पीए की बात करें, जैसे जनरल अगर मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना. किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल केस को और सैंपल स्पेस का अगर आप रेशियो निकाल लेते हैं, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिविंग इवेंट. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, जैसे फॉर्मूला चले मैं एक बार और लिख देता हूँ, डेट इज एनी ओवर एन एस. तो मेरा फर्स्ट मोटिव है टू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर मैं निकालने जा रहा हूँ. तो सैंपल स्पेस की अगर बात करें तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं. अब देखिए, अगर ये दो बच्चे हैं एक्स और वाई, तो ये जो दो बच्चे हैं इन 100 स्टूडेंट्स में से कोई भी दो बच्चे हो सकते हैं. मतलब मैक्सिमम पॉसिबल केसेस की अगर मैं बात करूं तो डेट मस्ट बी 100C2 एंड दैट इज अ वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. अब बात करते हैं फेवरेबल इवेंट की. फेवरेबल इवेंट मतलब हम इस केस को स्टडी करने जा रहे हैं जब दोनों के दोनों स्टूडेंट एक ही क्लास में हो. अब ये जो दो बच्चे हैं एक्स और वाई, ये जो दो बच्चे आपको एक्स और वाई नजर आ रहे हैं, या तो ये दोनों के दोनों सेक्शन ए में मौजूद होंगे या फिर ये दोनों के दोनों सेक्शन बी में मौजूद होंगे. तो ये दोनों केसेस को मुझे ऐड करना पड़ेगा. अगर ये एक्स और वाई सेक्शन ए में मौजूद हैं, सारे दोनों के दोनों बच्चे सेक्शन ए में मौजूद हैं, इसके टोटल पॉसिबल केसेस होंगे 40C2, क्योंकि क्लास स्ट्रेंथ आपकी 40 की है और उनमें से ही कोई दो बच्चे ये होने चाहिए, या फिर ये दोनों के दोनों स्टूडेंट सेक्शन बी में होने चाहिए और इसकी क्लास स्ट्रेंथ है 60, मतलब नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे आते हैं 60C2 के. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन ई. तो हम लोग एन ई निकाल चुके हैं, एन एस निकाल चुके हैं, बस इस फॉर्मूले में ये डाटा फीड कर रहे हैं. सो दैट विल बिकम 40C2 प्लस 60C2 एंड डिवाइडेड बाई 100C2 के. अब अगला टास्क है इस डाटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, और अगर मैं ये डाटा को मैनिपुलेट करता हूँ या सॉल्व करता हूँ तो डेट विल बिकम 40/2 इंटू 39/1 प्लस 60/2 इंटू 59/1 डिवाइडेड बाई 100/2 इंटू 99/1 के. और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 17/33. दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, मतलब मुझे निकालना है पीबी. और जैसा कि मैंने कहा था कि पीबी रिप्रेजेंट फॉर व्हेन बोथ आर इन द डिफरेंट सेक्शन, व्हेन बोथ आर इन द डिफरेंट सेक्शन.
अब देखिए, आपको ऐसे सोचना होगा कि जिस इवेंट को मैंने अभी कैलकुलेट किया है ना, जिस इवेंट को मैंने अभी कैलकुलेट किया है, ये इवेंट था जब दोनों के दोनों बच्चे एक ही सेक्शन में हो। लेकिन अब इस क्वेश्चन में दो ही केस बनते हैं, या तो ये दोनों के दोनों बच्चे एक ही सेक्शन में होंगे या डिफरेंट सेक्शन में होंगे। मतलब फर्स्ट इवेंट के जो कि पी है, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, मतलब इसके टोटल चांसेस है 100%। तो पी ए जब ये इवेंट हो रहा है, जब ये दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में है, और जब ये इवेंट नहीं हो रहा है, मतलब पी ए डैश विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑल्सो, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। और मैं इंटरेस्टेड हूं पी ए डैश में, जिसको क्वेश्चन में मैंने पी बी से भी रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, व्हेन व्हेन बोथ आर इन द डिफरेंट सेक्शन। तो पी बी हो या फिर पी ए डैश हो, दे बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पे पी ए डैश की अगर मैं बात करूं, तो पी ए डैश मेरे पास होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और 1 पी ए की बात करें तो पी ए हमारे हमने अभी निकाला है, दैट इज 17/33। और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये निकल के आएगा 16/33 के। मीन्स यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, जब ये दोनों के दोनों स्टूडेंट सेम सेक्शन में हो, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, देन योर आंसर इज 17/33। और व्हेन द स्टूडेंट आर इन द डिफरेंट सेक्शन, मतलब दैट इज पी ए डैश, या फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से उसे पी बी भी ले सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 16/33 के, एंड दैट इज द आंसर फॉर बोथ ऑफ द पार्ट्स।